इवनिंग स्टूडेंट्स, टूडेज टॉपिक इज पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, यानी आपको पेरीमीटर बताना है। प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितने भी साइड्स हैं उनकी लेंथ का अगर सम कर दें, या लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। देखिए ये इसकी क्या कहलाएगी, इसकी बाउंड्री कहलाएगी। इन सभी बाउंड्रीज का हम सम कर दें तो वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर ऑफ द फिगर कहलाता है। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज रेक्टेंगल? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ऐसी फिगर रेक्टेंगल कहलाती है। जैसे एक रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है, ए बी बी सी सी डी डी एस की साइड्स हो गई, इसमें फोर वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, ये उसकी लेंथ होगी एल। तो उसकी अपोजिट, ए बी के अपोजिट साइड कौन सी होगी? सी डी, यानी ये एल है तो ये भी एल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। बी सी साइड की लेंथ दे रखी है बी, तो इसके अपोजिट, बीसी के अपोजिट कौन सी होगी? एडी। तो ये बी है तो ये भी क्या होगी? बी होगी। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स, इसमें कितनी साइड्स हैं? फोर, यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। एल और एल को एड किया टू एल, बी और बी को एड किया टू बी, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? टू, तो बचा क्या? L प्लस बी। एल फॉर लेंथ, बी फॉर विड्थ, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बना? टू ब्रैकेट L प्लस बी, मीन्स लेंथ प्लस विड्थ, और उसके बाद में क्या आएगी? उसकी यूनिट। एक एग्जांपल देखिए, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी डी, इसमें एक साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ए बी उसकी लेंथ क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, और विड्थ क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ये लेंथ नहीं, यहां पर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ क्या दे रखी है उसकी? फोर, और ब्रेथ क्या दे रखी है? देखिए फाइव, तो 2 ब्रैकेट 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 को ऐड किया कितना है? 9, 9 टू जा 18, यानी उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम इससे पहले ही देखेंगे स्क्वायर क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। जैसे ये स्क्वायर दे रखा है आपको, इसकी लेंथ एल ये है तो ये भी एल होगी, ये भी एल होगी और ये भी एल होगी, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई एल, यानी 4 एल, यानी 4 मल्टीप्लाई साइड। एल को क्या नोट किया हमने? साइड से। आज बाद में क्या आएगा? उसकी यूनिट। अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर। एक एग्जांपल देखते हैं, ये स्क्वायर दे रखा है जिसकी ऑल साइड्स क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये भी 4 है उसकी, बीसी सीडी भी 4 है और एडी भी क्या है? 4। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 16 सेंटीमीटर। इससे कुछ रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। फर्स्ट में इन फिगर्स का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? इन सभी का सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स दे रखी हैं उनको प्लस कर देंगे तो इन फिगर्स का पेरीमीटर निकल आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इन विच, यानी इन तीनों पार्ट जो दे रखे हैं उनका क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन विच साइड्स मेजर, साइड्स दे रखी हैं सभी की,
स्क्वायर की साइड रखें, आपको सभी का पेरीमीटर निकालना है। लास्ट क्वेश्चन से फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल्स में कितनी साइड्स होती हैं, थ्री। थ्री साइड्स का सम कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा।